देखिए, ए बी सी पार्टनर हैं, इनका जो पी एस आर है वो है 4:3:2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको फंसाएगा कि गुडविल पुराना वाला भी दे देगा, गुडविल अपेयरिंग इन द बुक। इन द बुक का मतलब बैलेंस शीट, बुक एट 42,000, 42,000 पे गुडविल पहले से भी है। सी रिटायर कर गया, सी इज रिटायर, ठीक है, सी रिटायर कर गया। एंड ऑन द डे, उसी दिन जिस दिन सी रिटायर कर गया, सी इज रिटायरमेंट, सी के रिटायरमेंट के दिन की बात है, एक और गुडविल का वैल्यूएशन होगा। गुडविल इज वैल्यूड। अगर आप हमसे पूछे कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसको हम रिपीट करते रहें और हमारे दिमाग में ये एंट्री हमेशा रहे, तो वो ये क्वेश्चन है, 5 नंबर, ठीक है। आप 15 नंबर, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहना है हमेशा, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये जो पुराना गुडविल है इसका क्या करना है, ये पुराना गुडविल लॉस की तरह बढ़ जाएगा सब में, ठीक है, सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। पुरानी चीज़ें सबको मिलती, ठीक, यहाँ पर सेक्रीफाइस और गेन के बारे में चर्चा नहीं होगी, ठीक है। लॉस की तरह बांटना है, तो लॉस की तरह बांटने के लिए सभी पार्टनर को डेबिट में करना पड़ेगा, तो एक एंट्री इस गुडविल के बांटने का होगा लॉस की तरह। एज कैपिटल अकाउंट, चाहे आप रिटायर कर गए चाहे आप हैं, है ना, सब बराबर है मेरे लिए, अभी पुरानी चीज़ों के लिए सब बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल, इस गुडविल को कहते हैं रिटर्न ऑफ करना, ठीक है। तो 42,000 को आप इस रेशियो में बांट देंगे, है ना, इस रेशियो में बांट कर यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, ओके। अब रह गई बात कि सर ये जो गुडविल आ रहा है इस गुडविल का क्या काम है, तो इस गुडविल का काम है कंपनसेशन का। अब इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। सबसे पहले रेशियो लिख लीजिए, क्या क्या रेशियो, क्योंकि इसी में हमको काट कुट करना है। तो 4:9 है, 2:3:9 है, ठीक है, और 2:9, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक। अच्छा, इसको जब इस रेशियो में बांटिएगा तो फुल्ली नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट में आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, अब इसमें जो रिटायर कर गया, वो रिटायर किया है सी, पहले सी को शेयर चाहिए, इसमें से एक्चुअल में सी को शेयर चाहिए, तो सी को शेयर चाहिए, तो सी का शेयर सेक्रीफाइस जितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो वो ये है कि जो रिटायर कर रहा है वो फुल सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो सी का शेयर है 14,000 रुपया, और इसको कौन दे रहा है, इसको शेयर कौन देगा, तो ए एंड बी देगा। तो ए एंड बी क्यों देगा, क्योंकि इन्होंने गेन किया है। कैसे गेन किया सर, कुछ नहीं सोचना है, तो जब कुछ नहीं है तो मान लेंगे दोनों ने गेन किया। हमारा तो यही है ना, पार्टनरशिप का मतलब ही है कि भाई अब दोनों गेन करो, ठीक है, और गेन रेशियो के बारे में भी कोई सूचना नहीं है, तो जो पुराना रेशियो है वही गेन रेशियो। तो ए बी ने जो गेन किया है वो 4:3 में किया। अब इस पैसे को 4:3 में बांटिए ताकि इसका हिस्सा निकल सके कि कौन कितना देगा। तो 4:7, 7×2=14, 8,000 रुपया ए का, और बी देगा, इसी तरह बांटिएगा तो 6,000 आएगा, ठीक है। इसका एंट्री हो जाएगा, ए और बी गेन कर रहा है, जिंदा है, मतलब है बिजनेस में। ए और बी के अकाउंट से पैसा काट के उस पार्टनर को दे देंगे जो रिटायर कर गया, है ना, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको चाहिए कितना, तो इसको चाहिए 14,000, इसको देगा कौन, ये देगा 8,000, और ये देगा 6,000, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।